सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। आज के वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट ऑफ प्ले इवेंट के बारे में, क्योंकि इसके रिगार्डिंग काफी जबरदस्त लीक निकल के आई है, वो भी इंडस्ट्री के काफी ज्यादा रेपुटेबल लीकर और इनसाइडर की तरफ से, जिनका नाम टॉम हेंडरसन है और स्पेशल लीक है। तो दोनों की तरफ से ही ट्वीट आई है स्टेट ऑफ प्ले के रिगार्डिंग। तो क्या है उनका ट्वीट इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी लेटेस्ट गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यू रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। काफी टाइम से रूमर आ रही है कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ प्ले बहुत जल्द होने वाला है। कभी रूमर आई थी फरवरी में होने वाला है, कभी आई थी मार्च में होने वाला है। बट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीक निकल के सामने आई है इंडस्ट्री इनसाइडर की तरफ से, जो कि काफी ज्यादा रेपुटेबल हैं। और टॉम हेंडरसन स्पेशल लीक ऐसे लीकर हैं जिनके बारे में मैंने आपको पास्ट में भी अपनी वीडियोज में बताया है, और इनके लीक काफी हद तक एक्यूरेट होते हैं, तो इनका रेपुटेशन अदर लीकर से काफी ज्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे टॉम हेंडरसन ने पहले ट्वीट किया है स्टेट ऑफ प्ले के रिगार्डिंग, और स्पेशल लीक ने उनके ट्वीट के रिप्लाई में अपना ट्वीट किया है। तो पहले मैं आपको टॉम हेंडरसन का ट्वीट दिखा दूं। तो अकॉर्डिंग टू टॉम हेंडरसन, नॉट ए स्कोप और एनीथिंग, बट श्योरली प्ले स्टेशन हैज टू बी डूइंग समथिंग इन मार्च। और इसके रिप्लाई में स्पेशल लीक ने कहा है, हैप्पी टू एड टू वर्ड्स ऑलरेडी आउट देयर, यस दे हैव गॉट ए शो इन मार्च, दिस इज सपोज टू बी द गुड वन। तो ये कहा है स्पेशल लीक ने। और पहले टॉम हेंडरसन ने ये चीज कंफर्म किया है कि मार्च में एक स्टेट ऑफ प्ले होने वाला है उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग, और उसी के ट्वीट के रिप्लाई में यहाँ पे स्पेशल लीक ने अपना ट्वीट किया है, और उसने कहा है बेसिकली कि यहाँ पे स्टेट ऑफ प्ले डेफिनेटली होने वाला है, बट ये स्टेट ऑफ प्ले काफी जबरदस्त और अच्छा होने वाला है। तो दोनों का ट्वीट जो है वो एक ही तरफ जाता है कि स्टेट ऑफ प्ले इवेंट मार्च में होने वाला है। अब एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है, क्योंकि सोनी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है इसके एग्जैक्ट डेट के रिगार्डिंग, बट डेफिनेटली मार्च में ये इवेंट होने वाला है और ये काफी बड़ा होने वाला है। बट अगर इसके एग्जैक्ट डेट के बारे में बात की जाए कि कब ये इवेंट हो सकता है मार्च में, तो यहाँ पे ज्यादातर जो रूमर है, जो लीक्स है, वो यही निकल के आ रही है कि ये आपको अर्ली मार्च में देखने को मिलेगा, विच मीन के 10-15 मार्च के अंदर आपको ये इवेंट डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ज्यादातर चांसेस है कि ये 10 मार्च के अंदर ही आपको देखने को मिल जाए, उससे ज्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट फरवरी में होने वाला था, बट हमें पता है फरवरी में कोई बड़ा स्टेट ऑफ प्ले हुआ नहीं, बस छोटा मोटा शोकेस किया गया ग्रैंड टूरिज्मो 7 का और घोस्टवायर टोक्यो का, जो कि सेपरेट था। तो इस हिसाब से जो स्टेट ऑफ प्ले है वो काफी जल्दी होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज की कंफर्मेशन मैं आपको दे सकता हूँ कि इस स्टेट ऑफ प्ले में हमें गॉड फॉर रैग्नारोक का रिलीज डेट ऑफिशियल कंफर्म देखने को मिलेगा, और हॉगवर्ड्स लेगेसी का भी रिलीज डेट और नया गेम प्ले हमें इसी इवेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दोनों गेम्स के रिलीज डेट के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज नहीं आई है अभी तक ऑफिशियल। तो इस वजह से अब जो लीक्स है, जो रिपोर्ट है, वो यही आ रही है कि दोनों के डिटेल्स जो है वो इसी स्टेट ऑफ प्ले में कंफर्म होने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग पास्ट में काफी ज्यादा लीक आई है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बट फ्यूचर में भी कोई लीक आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वीडियो में। तो मेरे फ्यूचर वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इसी टाइप से मैं क्वालिटी कंटेंट गेमिंग न्यूज लेकर आता हूँ। वैसे इस स्टेट ऑफ प्ले इवेंट में हमें कोई नया रिवील भी देखने को मिल सकता है, कोई ब्रांड न्यू आईपी भी देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग हमें लास्ट ऑफ अस का रीमेक और डायरेक्टर कट लास्ट ऑफ अस 2 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी भी डेवलपमेंट फिनिश हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है कि लास्ट ऑफ अस का रीमेक और डायरेक्टर कट क्या है, कैसे होने वाला है, कब रिलीज होने वाला है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर कार्ड में मिलेगा, जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो हाँ, बहुत सारे गेम्स जो है वो लाइनअप में है प्ले स्टेशन के एक्सक्लूसिव गेम्स जो है, जो PS4 में भी आएंगे क्रॉस होंगे या फिर जो PS5 के एक्सक्लूसिव होंगे, तो बहुत सारे गेम्स अभी लाइनअप में हैं, और बहुत सारे न्यू आईपी जो हैं उनका भी रिवील हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमें पता है प्लेस्टेशन के कई सारे स्टूडियोज जो हैं वो AAA टाइटल पर काम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे डेविएशन एक नया स्टूडियो है जिसे प्लेस्टेशन ने एक्वायर किया है, और वो भी एक ब्रांड न्यू AAA टाइटल पे काम कर रहे हैं जो अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो हाँ, बहुत सारे एक्सक्लूसिव गेम्स हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है, और आपको क्या लगता है ये नेक्स्ट स्टेट ऑफ प्ले कब हो सकता है, मिड मार्च में होगा या फिर अर्ली मार्च में होगा। तो आप मुझे कमेंट में अपने ओपिनियन जरूर दें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी अपकमिंग सारी लेटेस्ट गेमिंग न्यूज और गेमिंग रिव्यू रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव होता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।